कोरोना वायरस महामारी का संकट हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह तक देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 1100 के पार गई है, जबकि 31 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 98 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के दर्जनों भर पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस बीच पलायन के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के इंदौर से कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 7 लोग इंदौर और एक उज्जैन के निवासी हैं, जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के केस की संख्या 215 तक पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 4 दिन में केसेस दुगने हो गए हैं कोरोना वायरस के।